तो परमात्मा ने ऐसी विधि बता दी कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। हमने देखा हमारे खेतों में जो हल जोड़ा करते थे हाली, कुछ तो हमारे मतलब हम उम्र थे, कुछ बड़े थे, तो तकरीबन हमने देखे वो के क्या करते, हल जोत रहे हैं, रागनी गा रहे हैं उसका पीछे पीछे, है कोई फिल्मी गाना गाता गाता अपना काम करा। परमात्मा के अब हम वही परिश्रम करते करते कहता आरती कर ले, रमैणी कर ले, और बातें आ बातें मंत्र श्रवण करे राम नाम का, ना परमात्मा की महिमा के शब्द गान लाग जा, तो वो उसके द्वारा बीजा हुआ अन्न भी परमात्मा के मंत्रित हो जाता है उस वाणी से, और फिर वो उस अन्न को कोई खावेगा उसका भी उदाहरण लग जाएगा। इब गावा रागनिर पीवा बीड़ी, और फिर बीज बोए रत राग, उसका क्या असर होगा फिर उस बीज से, सारे नशेड़ी हो गए उसी तरीके से। तो ऐसे ही हमने इस समाज को बदलना है, इस प्रोसीजर को चेंज करना है। किसान मजदूर मजदूरी कर रहा है, अपना सिमरण करे, और सिमरण तो मन हट जाता, फिर अपना भगवान की दो चार जो भी वाणी याद आ हुआ है गान लाग जा, फिर उस वाणी तो छक ले तो फिर सिमरण पर ला दे, फिर रमैणी करने लाग जा, फिर शाम की आरती कर ले, चाहे काम करते करते मजदूरी करते करते आरती कर ले, रोटी पोते पोते कर ले, बर्तन साफ करते करते कर लो, क्योंकि वो तो आत्मा से करनी होती है। तो ऐसे जो कमाई कर ली और फिर मार्ग से भ्रष्ट हो गया तो वो क्या होगा। अब ब्रह्म जैसे श्वास के सिमरण की कितनी कमाई, फिर एक ओम नाम के मंत्र की कितनी कमाई हो जाएगी जो सतनाम के अंदर है। तो उस ओम नाम की कमाई जो जिसकी अत्यधिक है और रह गया यही काल के जाल में, तो काल उनको सिलेक्ट कर लेता है, उनको इसने एक ब्रह्मांड में नकली कंस्ट्रक्शन करवा रखी है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक, उनमें रखता है। ये बोली बूच वाने समझाओ आगे सतलोक, और फिर उन्हीं में से सिलेक्ट करके ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पर रख लेता है। और जो दूसरे मंत्र का है उसी के आधार वो कमाई फिर उनको ब्रह्म, वो तो ब्रह्मलोक में खत्म करवा दी ओम आड़ी तय, और फिर उसको उस जो दूसरा मंत्र है जो हमने आगे चलकर ऋण देना था उस पर ब्रह्म के लोक से पार करने के लिए, उस सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई से ब्रह्मा विष्णु महेश और ऊंचे ऊंचे धर्मराज आदि की पदवी दे देता है। कमाई इनने की वह जो कबीर परमात्मा की शरण में किसी समय की हुई होती है, वही फिर कोई ऋषि बन जाता है, कोई देवता बन जाता है। वो होती तो उनकी पिछली कमाई है भक्ति की, लेकिन उस समय जो वो डरेड होते हैं उससे केवल सिद्धियां आ जाती हैं। जो तप करते हैं और किसी मंत्र का जाप करके वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मोक्ष की कमाई नहीं होती उनकी। तो इस प्रकार ये काल का भयंकर जाल है। तो कहने का भाव ये है कि आप ये नहीं कि नाम ले लिया और सार नाम ले लिया और पार हो गए, नहीं, अब तो आप भगत बने हो। अंतिम श्वास तक प्रभु के चरणों में गिरे रहना पड़ेगा, पड़ा रहना होगा। कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भियों मत किसाने, अब हु झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। कहते हैं फसल पकड़ी है जैसे वर्तमान में, और कहते किसान को कहता अब अभिमान मत करना, अब इतना बेरा कितनी गर्द फड़ शेष रहती है, कोई ओले पड़ जा, आंधी आ जा, वर्षा घनी हो जा। कहते तेरे घर आले जब अपनी मानिए अभी तेरी नहीं है। ऐसे ही कहते तूने सोचा मैंने सार नाम में लगा रही मैं भक्ति कर रहा हूं, कहते अभिमान मत कर लेना, अभी तक काल के बहुत ज्यादा जोके शेष हैं, सतलोक पहुंच ले जब पीछा छूटा मानिए। तब तक मालिक के चरणों में पड़ा गिरा ही रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, सौ काल जकजोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। राम नाम रटते रहो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। के अंतिम श्वास तक नाम जपता रहे और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और जब वो प्रसन्न होगा एक सेकंड में आपको सतलोक बिठा देगा। एक सेकंड के अंदर ऊपर पाओगे तुम, काल में पता भी ना चला कौन से रस्ते गया। ये उनके लिए व्यवस्था होगी जो अंतिम श्वास तक परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से लगे रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम माम व्यवहारन ब्रह्म अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो ये एक ओम मंत्र है, केवल ये एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सुमरण करने का ये पर्याति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। जो अंतिम सांस तक प्राण त्यागने तक इसका सिमरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। काल कहता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। यही परमात्मा कहते हैं द्वार धरणी के पड़ा रहे, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर तो मेरी शरण में रहेगा, ये नियम है। फिर ये नियम है कि उस भगवान की भक्ति करेगा परम दिव्य पुरुष परमेश्वर की, उस पूर्ण ब्रह्म की तत्वदर्शी संत से लेकर के, तो उसकी शरण में उस भक्ति के कारण ही वहां जाएगा, उस भक्ति बल से वहां जाएगा। यानी उस परमात्मा उस कमाई के कारण ही तो सतलोक उसके पास जाएगा। और वही परमात्मा इन सभी पुराणों, गीता जी, वेदों, पवित्र वेदों आदि का सारा ज्ञान बता रहे हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। वो संस्कृत भाषा है, ये अपनी सिंपल साधारण संत भाषा है जो जनसाधारण समझ सकता है। तो परमात्मा ने एक और उपकार किया हमारे ऊपर, उस गुड संस्कृत की बजाय वही ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में दे दिया, जनसाधारण समझ सकता है। लेकिन हमारा ये ना जचन दी, नकली संतों ने ये विश्वास नहीं होने दिया कि कबीर जी जो कह रहे हैं ये वेदों का ही और गीता जी में ही प्रमाणित है। लेकिन अब हम शिक्षित हो गए, हम सामने देख करके तुरंत मान जाते हैं सचमुच परमात्मा ने पहले भी यही बता रखा था, वो पूर्ण ब्रह्म ही है। जो वेदों को भी जानते थे, जबकि अशिक्षित लोग कहा करते उनको, अशिक्षित होते हुए वेदों का ज्ञान जानते हैं, इसका मतलब वो परम पिता परमात्मा थे, वो सर्व भाषा से परिचित थे। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि राजा अम्बरीश कौन थे। ये पहले किसी जन्म में प्रभु के चरणों में रहे कबीर जी के, और खूब भक्ति की, लेकिन फिसल गया पैर, रह गए काल के जाल में। और फिर परमात्मा का एक नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो मेरी शरण में एक बार आ गया किसी भी युग में, फिर मैं उसको छोड़ू नहीं। बाकी ये बात है कि वो अपने कर्म बिगाड़ देगा, मेरी मर्यादा का पालन ना करके अपने जन्म बढ़ा लेगा। तो क्या कहते हैं कि जैसे जो जिनका पैर फिसल गया वो विष्णु लोक में भी गए, शिव जी के लोक में भी गए और ब्रह्मा के लोक में भी गए, वहां पर ठाठ करने लगे। वहां जाने के बाद उनकी बुद्धि खुलेगी और वो ये कहेंगे कि भगवान की महिमा में सतगुरु गुरु जी ये बताया करते थे कि भाई इन लोकों में हमने नहीं जाना, अपनी कमाई बर्बाद हो जाती है, फिर 83 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो वहां जाकर के इसको याद आवेगी, अक्तन नाश हो गया तो बात का। परमात्मा कहा के वाणी बताते थे गुरु जी कि ये तो भाई बात बिगड़ेगी, अपने पुण्य यहां खत्म हो जाएंगे, फिर यहां खत्म होने के बाद फिर हम नरक में जाएंगे, नरक के बाद 84 लाख योनियों में, और यह कमाई बर्बाद होगी। फिर ये पुण्यात्मा वहां रोएगा बुरी तरह, क्योंकि ये ज्ञान इसको टेकन नहीं देगा वहां पर भी। अब कितने दयालु हैं वह कबीर परमेश्वर, कितने दयालु हैं। कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। वहां जाकर भी तो रोएगा, तड़फेगा बुरी तरह, भगवान ये बंदी छोड़, मेरे पर गलती बन गई, मुझे बचा लो। कहते हैं तुम वहां से भी छुड़वा लूंगा और फिर पटक दूंगा धरती पर, फिर मनुष्य जीवन मिलेगा तुझे। मतलब वहां देवता भी तरस रहे हैं अब इस ज्ञान को सुनकर। जब वो देवता बन जाते उनको पता है कि तुम अपनी पूंजी खा करके फिर नरक में जाओगे, वहां रो रहे हैं वो ऊपर को। ठीक है, जैसे यहाँ घूटी सूटी ला के व्यवस्था एक दूसरे ने देखम देखा, हम इसी प्रोसीजर में फिट हो रहे हैं, वो भी वहां फिट हो रहे हैं। लेकिन जब ये ज्ञान उनके कानों तक जाएगा, उनके कलजे पाट जाएंगे उन देवताओं के और ऋषियों के, कहते तुमने तो नाश कर लिया। वो भी तरफ रहे होंगे कि हमने तो गलत ट्रेनिंग कर ली, गलत कोर्स कर लिया, हमने गलत साधना कर ली, हम तो गलत स्थान पर आ गए, उचित स्थान पर नहीं गए। वो फिर भी तरफ रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए किसी तरह। तो पुण्यात्माओं, जो परमात्मा की भक्ति किया हुआ हंस वहां तड़फेगा, ये परमात्मा। लेकिन वहां तड़फेगा कौन? जो कतिस ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका होगा और किसी कारण से मान लीजिए उसका पैर फिसल भी गया, वो उन लोगों में चला गया, तो फिर तड़फेगा। वैसे तो पुण्यात्मा, इस काल का इतना भयंकर जाल है, यदि परमात्मा की भक्ति और ये ज्ञान साधना हो तो जीव का कोई जो अस्तित्व नहीं कि वो ज्ञान के आधार पर टिक जाए। एक ऋषि था, उसको अपने भविष्य के जन्म का पता चला कि अगले जन्म में मैं उसको अपने ही देवदृष्टि खुल गए कि अगले जन्म में इसी नगर में एक व्यक्ति के घर जो सूरी है, उस सूरी के घर के पेट गर्भ से मेरा जन्म होगा और उस सूरी के माथे पर गांठ है अच्छी मोटी और उसके ही गर्भ से मेरी मृत्यु के बाद उसके गर्भ से जन्म होगा और मेरे सिर के ऊपर एक बहुत काला सा मोटा एक अलग से निशान होगा। तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद मैं उस व्यक्ति के घर जो सूरी है ऐसे उसकी गांठ है और मैं उसके घर जन्म लूंगा। एक काम करिए तुम, उसने मोल लेके उस बच्चे को मोल ले लेना और मुझे मार देना, उसको मार देना, मेरी मोक्ष हो जाएगा। वो सूअर का जो जीवन है मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। तो वो कहने लगे, पिताजी जैसे आप कहोगे हम वैसा कर देंगे। उन्होंने बार बार कहा, बेटा देख कर दे तुम लालच कर जाओ, यह मेरी अंतिम प्रार्थना अवश्य करना। वो बच्चे बोले, पिताजी आप निश्चिंत रहो, क्या आप हम इतना भी नहीं कर सकेंगे आपके लिए, उसके लिए 5-4 अन्य रुपये 2 रुपये का वो सूअर का बच्चा नहीं लेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। वो कुछ ऐसे हफ्ते 10 दिन पाछो बूढ़ा मर गया ऋषि जी और वो ताक में रहे उस सूरी के ब्याने की। वह महीने 2 महीने में 6 महीने हुआ सूरी ने बच्चे दे दिए। वह जो गांठ थी शर्मनारी दिखे थी, उसके वही बच्चा हुआ जिसके सिर के ऊपर एक काला सा अच्छा निशान था। तो वो सूर का बच्चा फिर अपने उन बहन भाइयों के अंदर मस्ती, उसका ऊपर का नीचे का लोट मारा, उनके साथ खूब प्रेम से रह रहा है। अब वो बच्चे गए उस व्यक्ति से कहा, भाई ये बच्चा हमने मोल दे दे तू। उसने कर दिया, सौदा ले लिया। जब उन्होंने मोल ले लिया और उनने वो बच्चा उठान लग गए, वो भाग लिया, फिर पकड़ा भाग भूख और वह कहे, पिताजी हम आपके अपने वचन को पूरा करने आए हैं। जब वो सूअर का बच्चे में चेतना दे दी काल ने, वो सूअर का बच्चा कहता है, अरे भाई बेटो मुझे मत मारो, मेरे मारने से तुमने क्या मिलेगा, क्यों पाप के भागी होते हो। तो कहने लगे, पिताजी आपने तो कहा था भाई इसको मोल लेकर के मुझे मार देना। ने बोला, भाई मुझे मत मारो, मेरा दिल लग रहा है मेरे भाई बहनों में, यहाँ पर मैं ठाठ से रह रहा हूं, मैंने कोई तकलीफ नहीं, मत मारो मत। उन्हें छोड़ दिया, भाई मत मारो, क्यों मारा, जो पाप तो वैसे पाप ही है। तो ये समस्या इस काल की है। जब एक सुअरी के बच्चे के जन्म में वहां उस अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया, इतना खुशी मना रहा है और स्वर्ग में जाए पास देवता कदे भी इस बात को हृदय से नहीं कहेंगे, ऊपर से कह भी दें भाई मानस जन्म का हो गया था, हम जो है ना वो भक्ति या नहीं करें, मोक्षशाली करेंगे, तत्वदर्शी संत ढूंढेंगे, या अंधे फिर अंडी पाक जाए। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राह, क्यों काल की बहुत भयंकर मार है। तो ये वहां पर हृदय में कसक के भगवान ये तो गलत स्थान पर आगे तड़फेगा, वो एकाध ही होता है। कहते हैं उसकी वो जो मेरी प्यारी आत्मा ऐसे वहां तड़फ करेगा, उसके पास पहुंच जाऊंगा, उसको शरीर को ऑफ कर दूंगा वहीं से, देव वाले शरीर को, और उसको ले आऊंगा वहां से, फिर मनुष्य शरीर दे दूंगा। अब देखो वो परमात्मा तो हमारे लिए इतने खाड़े भरन लाग रहा और हम कति बालक की तरह उसकी तरफ परवाह नहीं कर रहे। तो पुण्यात्माओं ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं। ये सुनकर आनंदित होने तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अपने कदम रखने हैं।